सिनेमा ऐप के बारे में बताया था, जिससे आप बहुत आसानी से कोई भी एडिटिंग, चाहे पोस्टर हो या विजिटिंग कार्ड हो, आप आसानी से डिजाइन कर सकते हैं। मैंने डेमो भी डिजाइन करके आप लोगों को दिखाया था। चीजें समझ नहीं आए तो आप हमसे नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हैं। आप उस पर कैनवा पे प्रैक्टिस करिए, जब तक आपका लॉकडाउन में, जब तक आपके सेंटर्स, आपके नजदीकी सेंटर्स नहीं ओपन हो जाते हैं, तब तक आप मोबाइल से ही प्रैक्टिस कीजिए। फिर जैसे ही सेंटर ओपन हो जाएगा, आप सेंटर पे आके प्रैक्टिकल कर सकते हैं, जिनके पास लैपटॉप या डेस्कटॉप नहीं है। अगर जिन लोगों के पास लैपटॉप या डेस्कटॉप है तो वो फोटोशॉप का ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि अगर आपको जॉब चाहिए, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन, तो फिर आपको फोटोशॉप सीखना होगा। कैनवा से आप इमरजेंसी में काम कर सकते हैं। आप अपना खुद का पोस्टर बनाना हो, जैसे आप में से बहुत सारी महिलाएं हैं जो हमारे सेंटर्स पे आकर स्टिचिंग का या ब्यूटी पार्लर का कोर्स करती हैं, तो अपने बारे में सोशल मीडिया पे एडवर्टाइजिंग करने के लिए कि आप क्या करते हैं, आप अपना, तो आप अपने लिए पोस्टर बना सकते हैं, लोग विजिटिंग कार्ड बना सकते हैं। कैनवा उसके लिए काफी इजी है उस चीज को कर पाने के लिए। तो चलिए हम लोग अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। फोटोशॉप का जो पीछे हम लोग कर लिया था, उसके बाद के आगे हम लोग नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास शुरू करते हैं। हम एक नया यहाँ से न्यू प्रोजेक्ट बनाते हैं। ये हमने नया फाइल ले लिया, ठीक है। हमने पीछे के क्लास में सिलेक्शन सीख लिया है, मैजिक वन टूल का यूज करना सीख लिया है, क्रॉप का यूज सीख लिया है, और आपका कैसे हम आई ड्रॉपर टूल से कोई भी कलर्स यूज करते हैं, हमने पिंपल्स कैसे रिमूव करते हैं चेहरे से, या कोई भी दाग धब्बा कैसे रिमूव करते हैं, ये सारा कुछ हम लोगों ने सीख लिया है। अब हमारे पास नेक्स्ट आता है, वो आता है पेंट ब्रश टूल। तो पेंट ब्रश टूल का भी इस्तेमाल आप आसानी से कोई भी आर्ट बनाने के लिए आप कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब हमारे पास जैसे कि हमने यहां पे ये ब्रश टूल लिया, अब ब्रश टूल का शॉर्टकट की होता है बी। अब यहां पे क्लिक किया आपने, तो देखिए यहाँ पे ना आपको दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है ना। मेरा ब्रश जो है ऐसे लिख, मैं ऐसे में लिख तो रहा हूं, मैं रेड कलर ले रहा हूं जो दूर से दिखाई देगा आपको। अब देखो ये ब्रश टूल है। आप इसे जैसे आपके ब्रश होते हैं, है ना, कोई अगर आप पेंटिंग बनाते हो, कागज पे कोई पेंटिंग बनाते हो, तो आपके पास ब्रश और कलर होता है जिससे आप कोई भी डिजाइन बनाते हो। तो यहाँ पे आपके पास जो फिजिकल कलर और ब्रश नहीं है, यहाँ पे क्या है, डिजिटली है। आपको कोई भी, आप क्रिएटिव चीजें बनाना चाहते हो, किसी का स्केच बनाना चाहते हो, तो आप पेंट के ब्रश के टूल के मदद से आप ये सारा काम कर सकते हो। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने ब्रश लिया है ये। अब यहाँ पे देखो, जो भी मुझे बनाने का मन किया, जैसे मैंने ये देखो, तो अब मैं इसको ड्रॉ कर सकता हूँ, जो भी हमें ड्रॉ करना है। लेकिन यहाँ पे बात आती है कि अब इस ये ब्रश मोटा पतला हमें कैसे करना है, तो इसके लिए आपको यहाँ पे जाना है। देखिए यहाँ पे जाएंगे आप, ये देखिए ये वाला जो है, आप यहाँ से ये देखिए ये वाले आपको जाना है यहाँ पे, और यहाँ पे आपको क्लिक करना होगा, ये देखिए ये क्लिक आप करोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे, तो आपको यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये साइज दे रखा है, ये दे रखा है ना, ये साइज दे, देखो यहाँ पे साइज दे रखा है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है 15 पिक्सल। तो आपको अपने ब्रश का अगर साइज बढ़ाना है, तो आप या तो यहाँ पे नंबर जो 15 पिक्सल दे रखा है इसको चेंज कर दो, आप 20, 50 जितना बड़ा करना है आप बड़ा कर दो, या फिर यहाँ पे जो ये स्लाइडर दे रखा है साइज का, ये वाला स्लाइडर, इस स्लाइडर को जब आप बड़ा छोटा करोगे, इधर इसको खींच के ले जाओगे, तो आपका साइज जो है बड़ा छोटा हो जाएगा आपके ब्रश का। तो आइए करके मैं देखते हैं, ठीक है ना, ये देखिए। तो अब मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा और ये देखो, ये देखो 15 था, मैं इसको यहाँ पे देखो खींच के कर दिया, यहाँ पे कर दिया, यहाँ पे देखो कर दिया, ये देखो
तो ये देखो जैसे हमने यहाँ पे किया क्या हो गया 151, मतलब जितना आप बड़ा करते जाएंगे, लेकिन यहाँ पे इसकी भी लिमिटेशन है। अब यहाँ पे एक साइज कितना बड़ा होगा, मैक्सिमम यहाँ पे बड़ा हो जाएगा 1000 पिक्सल तक का, लेकिन हमें अगर 1000 पिक्सल से भी बड़ा करना है तो आप यहाँ से जितना नंबर आप डालोगे बड़ा, उतना बड़ा नंबर्स आपका हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आप पेंट ब्रश टूल का यूज कर सकते हो। ये अब लेकिन जब हम कोई डिजाइन्स बनाते हैं तो हम ज्यादातर शॉर्ट कट की का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट कट की में अभी हमने एक कीबोर्ड डाउनलोड करते हैं, इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा। ये देखो अब ये हमने कीबोर्ड ले लिया है। ठीक है, अब यहां से मैं आपको आपको आसानी से चीजों को समझ आ जाएगा, इसलिए मैंने इसको लिया है। ठीक है, तो अब आप वो देखो ये जो आप हमारे पेंट ब्रश टूल है, ठीक है, अब इसको मुझे साइज को बड़ा करना है कीबोर्ड से, तो आपको क्या करना होगा, आपके पास जो कीबोर्ड है तो कीबोर्ड से आप ये देखो ये वाला अगर बटन प्रेस करोगे आप, ये जो ब्रैकेट वाला, ठीक है ना, तो ये ब्रैकेट अगर जो है इसको ओपन ब्रैकेट कहते हैं, ओपन बिग ब्रैकेट या कर्ली ब्रैकेट वाला जो होता है, तो इससे आपका छोटा होता जाएगा आपका ब्रश का साइज, और ये वाला जब आप क्लिक करोगे ये, तो इससे क्या होगा कि इससे आपका साइज जो है वो बड़ा होता जाएगा। जितनी बार आप इसको क्लिक करते जाओगे आपके पेंट साइज का ब्रश बड़ा होता जाएगा, और इसको जितनी बार आप क्लिक करोगे ये इससे छोटा हो जाएगा। ये मतलब कर्ली ब्रैकेट कह सकते हो इसी पे होता है, या बिग ब्रैकेट, इधर ये ओपन कर्ली ब्रैकेट बिग ब्रैकेट, ये क्लोज बिग ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट। तो यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट का यूज नहीं करना है, कर्ली ब्रैकेट का यूज करने के लिए आपको शिफ्ट प्रेस करना होता है, तब जाके कर्ली ब्रैकेट आप टाइप कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे अगर बिग ब्रैकेट टाइप करना है तो आप डायरेक्टली इसी की को प्रेस करोगे तो आपका ये प्रेस हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस तरह इसे डायरेक्टली प्रेस करना है। अब हम देखिए यहाँ पे आके चलते हैं, ये देखो अब हम जूम करते हैं। अब देखो ये हम मैं प्रेस करता हूं, देखो एक बार प्रेस किया इतना बड़ा, देखो ये देखो प्रेस करते जाता हूं, देखो देखो ये बड़ा होता जाता है, ये देखो। तो आप ब्रश टूल से बहुत सारे डिजाइन्स भी बना सकते हो। अब देखो ब्रश का हमने यहाँ पे इतना बड़ा सा साइज कर दिया, और मैंने क्या किया कि रेड वाला लिया है और मैंने यहाँ पे ऐसे इस तरह से क्लिक कर दिया, ये देखो ये देखो
अब मैं एक ऐसा डिजाइन बना देता हूँ, एक नया लेयर लेता हूँ, क्योंकि फोटोशॉप में कोई भी काम करने के लिए आपको एक नया लेयर लीजिए तो ज्यादा अच्छा है। तो अभी मैं देखो यहाँ पे क्या करता हूँ, एक ऐसे इस तरह से कोई डिजाइन मुझे बनाना है, तो मैं देखो इस तरह से ये बना दिया, देखा ये कितना खूबसूरत सा हो गया। अब मैं इसके नीचे और लेयर लेता हूँ और मैं यहाँ से ब्लू कलर ले लेता हूँ, ये देखो, और ये देखो यहाँ यहाँ से मैं इस तरह से कर दूंगा, ये देखो ठीक है, ये इधर मैं जाऊंगा ऐसे कर दूंगा, और इसके नीचे एक और लेयर लूंगा और हम रेड कलर लेंगे, ये देखो। तो आप इस तरह से भी देखो पेंट जो ब्रश टूल है उसका इस्तेमाल करके आप कितनी खूबसूरत से आप डिजाइन्स बना सकते हो। यहाँ पे आप विजिटिंग कार्ड कुछ बनाना है या कुछ बनाना है तो आप इसे आसानी से इस तरह से बना सकते हो, ठीक है। ये अब मैं इसको छोटा कर देता हूँ, अब मैं इसको हटा डिलीट करता हूँ तीनों को। अब हमें ये है कि हमें अब इसी ब्रश से आप कुछ भी बना सकते हो, जो भी आपको ड्रॉ करना है कुछ भी। अब आपको चाहिए, ये तो सर्कल वाला ब्रश है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि आपको चाहिए ब्रश स्क्वायर शेप में, तो आप यहाँ पे देखो स्क्वायर वाला हमने सिलेक्ट कर दिया और यहाँ पे हमने क्लिक किया, ये देखो ये देखो। तो अब हम जो कुछ भी करेंगे तो ये हमारा देखो इस तरह से ऐसे करोगे ये ऐसा बन जाएगा, या आप इसे छोटा कर दोगे तो आप इससे जो भी चीजें बनाओगे देखो इस तरह से आसानी से कुछ भी ड्रा कर सकते हो, ये देखो एक सीधी लाइन ड्रा कर सकते हो, ये देखो आपको जो मन करे आप यहां से ऐसे ड्रा कर सकते हो आसानी से, ये देखो कुछ भी, ये देखो कुछ भी आपको मन किया ड्रा करने का आप यहां से आसानी से तो ये तो हुआ कस्टम ब्रश के बारे में, ठीक है। लेकिन अब हम लोग बात करेंगे, इसी में बहुत सारे तरह के ब्रश होते हैं, आप अपने खुद का ब्रश भी बना सकते हो, ठीक है। तो अभी देखो इसमें बहुत सारे ब्रश दे रखा है, मैं नीचे आऊंगा तो देखो इसमें दिखाएगा, ये देखो यहाँ पे मैं जाता हूँ यहाँ पे क्लिक और मैं यहां से देखते हैं हमारे पास ब्रश है क्या, और तो यहाँ पे देखो और भी कई तरह के यहाँ पे देखो ब्रश ऑलरेडी दिया है, ये इस तरह से ब्रश है, ये देखो ये था। अब आप चाहते हो कि आप अपना खुद का एक ब्रश बनाओ, चाहे जैसे भी है, मान लो हम चाहते हैं कि हमारा ब्रश स्टार की तरह हो, उस पे स्टार आए, ठीक है। तो उस तरह का ब्रश बनाने के लिए आप, या कोई भी जैसे मान लो आप ग्रास बनाना चाहते हो, ग्रास का ब्रश आप ड्रा करें तो ग्रास बन जाए, तो इसके लिए आपको क्या होगा, अपना कस्टम ब्रश बना सकते हो। फाइल में जाओ, न्यू जाओ, न्यू में आपको यहाँ से ना एक चौकोर वाला चूज करना पड़ेगा, यहाँ पे 100x100 पिक्सल का चूज कर लो, 100। अब हमने यहाँ पे 100x100 पिक्सल का एक नया वो चूज किया है और हम इंटरनेट से ग्रास ले आएंगे, और भी कई सारे ब्रश मैं आपको बना के दिखाता हूं जो कस्टम ब्रश आप अपने कैसे बना सकते हो।
और उसे कैसे सेव करके बाद में उसे कैसे यूज कर सकते हो। अब देखो इंटरनेट पे कोई भी ट्रांसपेरेंट इमेज ढूंढने के लिए आपको पीएनजी लिखना जरूरी होता है। पीएनजी इमेज जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, उसके पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं होता है। तो हम लोग यहाँ पे ग्रास सर्च कर रहे हैं, तो ग्रास पीएनजी मैंने यहाँ पे लिखा, तो हमारे पास देखो कई सारे इमेज आ गए जिसमें बैकग्राउंड नहीं है। तो हमें इसी तरह का कोई इमेज लेना है, मान लो ये वाला इमेज हमें लेना है, ये वाला, ये ऐसा इमेज लेना है जिसपे हमें देखो। अब ये ट्रांसपेरेंट इमेज है, अब हम इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग राइट क्लिक कॉपी इमेज एड्रेस, हम अपने प्रोजेक्ट में आ जाएंगे। प्रोजेक्ट में आने के बाद यहाँ पर आपको जाना होगा फाइल, फाइल ओपन मोर, ओपन फ्रॉम यूआरएल, क्योंकि हम यूआरएल से इसके अंदर पेस्ट करेंगे, और करेंट प्रोजेक्ट क्योंकि हम इसी प्रोजेक्ट में इसको लेना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर करेंट प्रोजेक्ट हमने इसको कर दिया। तो ये देखो ये घास जो है हमारे पास यहाँ पे देखो ये बन के तैयार हो गया है। अब हम इसी का ब्रश बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि सिर्फ इस वाले पे लेयर पे जाएंगे और हम चले जाएंगे एडिट के अंदर, और एडिट के अंदर आपको यहाँ पे देखोगे तो आपको यहाँ पे डिफाइन न्यू मिलेगा। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं यहाँ पे जूम कर दूं, तो ये देखो यहाँ पे डिफाइन न्यू मिलेगा, ये देखो, और इसके अंदर जैसे आओगे तो आप यहाँ पे ब्रश मिलेगा, ये देखो। आप डिफाइन न्यू के अंदर आओगे, ये एडिट के अंदर है, एडिट के अंदर अगर आप डिफाइन न्यू के अंदर ब्रश, ठीक है, ये देखो, मतलब ये हम कहाँ पे आए थे, यहाँ पे देखो, ये देखो, ये हम एडिट में आए थे, ये एडिट के अंदर हम यहाँ पे नीचे आएंगे तो हमें वो मिलेगा। तो अब आपको क्या करना है कि बस सीधे आना है डिफाइन न्यू के अंदर और यहाँ पे ब्रश पे क्लिक कर देना है। अभी आपका ब्रश ऐड हो गया, ठीक है ना, अभी आपका ब्रश ऐड हो गया। अब यहाँ पे आप आओगे तो देखो यहाँ पे ब्रश में जाएंगे हम लोग बी के अंदर, तो आपका देखो यहाँ पे ब्रश ऐड हो चुका है, ये देखो ये वाला ब्रश जो है ये आपका ऐड हो चुका है, ये देखो कस्टम ब्रश के अंदर आपका ये ब्रश ऐड हो चुका है। आप यहाँ पे नाम चेंज करके इसका रख दो ब्रश, हमने यहाँ पे नाम चेंज कर दिया यहाँ पे ग्रास। अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे, ये देखो, अब यहाँ पे हमें कलर क्या है, ग्रास है तो ग्रीन कलर लेना होगा, नहीं तो ये तो ब्रश है, जो कलर आप लोगे उसी कलर का बच जाएगा। तो ये देखो, ये देख रहे हो आप, ये देखो यहाँ पे जा रहा हूँ मैं इस तरह से ब्रश, बहुत सारा घास, अब मुझे घास बनाना है तो देखो मैं आसानी से इस तरह से घास बना सकता हूं। ये इस तरह से मैं करके बना सकता हूं, आप देखो। तो आप आसानी से कोई भी चीज का ब्रश आप बना सकते हो। अब चाहो तो आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैं यहाँ पे रेड ले लिया, ये देखो अब ये हमारा यहाँ पे रेड रेड ही करेगा, क्योंकि इसको घास के कलर का मतलब नहीं है, ये तो घास है लेकिन आपने इसका कलर, आपने तो ब्रश बना लिया, तो ब्रश का जो कलर आप रखेंगे वही कलर यहाँ पे आपका बनते चला जाएगा, ये देखिए, ठीक है ना। तो देखिए कितना खूबसूरत आपका बनते जा रहा है। अब ऐसे कुछ और चीजें, बहुत सारे पैटर्न्स बना सकते हैं, डिजाइन। अब मान लो स्टार का बनाना है हमें, स्टार का, तो हम लोग क्या करेंगे, फाइल में आएंगे, फिर से न्यू में जाएंगे और हम यहां से यही वाला 100x100 वाला चूज कर लेंगे, और यहां पे देखो आप
कई सारा डिजाइन दे रखा है, इसको भी आप ब्रश बना सकते हो। देखो यहाँ पे आओगे ना बहुत सारे, देखो दिखाई दे रहा है। अब मान लो ये वाला डिजाइन को हमें ब्रश में लेना है, ये वाला जो आ रहा है ना, ये देखो ये, तो हम लोग क्या करेंगे इसको, इसको देखो ये वाला जो डिजाइन है, ब्रश बना देते हैं, ठीक है। तो अब देखो अब यहाँ पे एडिट डिफाइन न्यू ब्रश, ये लो। अब यहाँ पे ये हमने यहाँ पे ब्रश इसको बना लिया है, ठीक है। अब हमसे यहाँ पे आते हैं अपने प्रोजेक्ट के अंदर, यहाँ पे न्यू लेयर। अब देखो अब हम ब्रश में जाते हैं बी, अब यहाँ से ब्रश चूज कर लेते हैं, देखो ये वाला जो हमने अभी बनाया था। अब यहाँ देखो ये, देखो ये रेड कलर लेते हैं, ये देखो देख रहे हो, ये देखो जैसा मैं कर रहा हूँ वैसे ही बन जा रहा है, देखो देख रहे हो ये देखो। तो हमने कितना आसानी से, ये ट्रांसपेरेंट था, ये देखो ये देख रहे हो, ये देखो तो खूबसूरत डिजाइन से बन जा रहा है, ये देखो ये देखो। तो ये आपकी मर्जी है आप इसे किस तरह से आपको बनाना है। अभी आप लोग इससे इंटरनेट है, आप उसको ग्राफिक्स कोई जैसे मान लीजिए गुलाब का फूल, आइए आपको उसका दिखा बना के दिखाते हैं। मतलब ये हम यहाँ पे रोज ये देखो। अब ये वाला जो है हम लोग इसको लेते हैं, ये जो है इसको ले लेते हैं, ठीक है ना, ये वाला ये इसी इसी का हम लोग देखो वो बनाएंगे, अब यहाँ पे देखो हम जो हमने अभी रोज को कॉपी किया है इसके अंदर हम लोग डालते हैं, ओपन फ्रॉम URL पेस्ट ओके। तो ये देखो ये गुलाब जो है ये हमने इसको हमें ब्रश बना देनी है, ये देखो। तो ये हमने यहाँ पे इसको लिया और डिफाइन न्यू इसके अंदर आपका हो गया, इसको पहले रिस्टराइज करो, अब हम प्रोजेक्ट में आते हैं। देखो यहाँ पे आएंगे हम, तो हमने बी सिलेक्ट किया यहाँ से, देखो यहाँ पे देखो ये गुलाब वाला बन गया है हमारा यहाँ पे। अब हम इसको नेम चेंज करके यहाँ पे रोज रख देंगे। अब देखो अब थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे कलर ये देखो, अब आप देखो साइज बड़ा कर, ये देखो देख रहे हो आप, ये देखो कितने खूबसूरत, ये देखो ये देखो। अभी मैं कलर चेंज कर देता हूँ ग्रीन, तो ये देखो ये देखो देख रहे हो, ये देखो। तो आप देखो ये जूम करता हूं मैं, ये देखो तो आप कितना आसानी से आपने ये देखिए ब्रश आपने बना लिया है, देखिए ये देखिए। तो इस तरह से आप कोई भी चीज को मतलब कितनी खूबसूरत तरीके से, आपको क्रिएटिव होना होगा, ये देखिए ये देख देंगे, देखिए इस गुलाब को हमने कितनी क्रिएटिव तरीके से इसे बना दिया है। अब आप इसका प्रिंट निकालोगे तो ये कितना खूबसूरत सा लगेगा, देखो उसी चीज को हमने क्या किया, बस सिंपली से ये इस तरह से
तो आप काफी खूबसूरत तरीके से कोई भी चीज है उसे आसानी से आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखो, अब हम लोग ब्रश के बाद यहीं पे बात कर लेंगे पैटर्न के बारे में। पैटर्न के मतलब क्या होता है? पैटर्न का मतलब होता है कोई भी चीज को रिपीट। आप जैसे टाइल्स देखा है ना आपने, आप चलो आप या आप तो लेडीज हो तो आप साड़ी देखते हो या सलवार सूट लड़कियों के, वो उस पे क्या एक पैटर्न बना होता है फूलों का पैटर्न। अब यहाँ पे देखो लेडीज सलवार सूट, मान लो मैं लिख 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 देता हूँ, विद पैटर्न। अब इसी सूट की हम बात करते हैं, ठीक है, इस तरह के ये जितने भी सूट्स आप देख रहे हैं, ये देखिए, तो ये इस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है जो डिजाइन्स में, जो पैटर्न क्या होता है, सेम डिजाइन को रिपीट अगर किया जाता है बहुत सारा, मतलब वही डिजाइन पूरे उसमें रिपीट किया जाता है तो उसको पैटर्न कहा जाता है। ये इस तरह से आपको साड़ी पे भी मिल जाएगा, बेडशीट पे मिल जाएगा, आपको बहुत सारा जगह पे मिल जाएगा आपको। देखो ये सब क्या है, ये देखो ये पैटर्न है, ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ये क्या है, ये पैटर्न है, मतलब इनमें क्या हुआ है, देखो आप चीजों को रिपीट हुआ है ये, कोई भी जो इस तरह से देखो, ये बहुत सलवार सूट्स पे आप देखोगे लड़कियों के तो आपको नजर आएगा इस तरह से जो डिजाइन है वो क्या है? इसी ये वाले जो डिजाइन है, इसी डिजाइन को क्या हुआ है, ये रिपीट हुआ है, पुनरावृत्ति किया गया है ये सारे डिजाइन। ये देखो इस तरह से, ये इसको हम दोबारा कट कट कर, या आपने टाइल्स देखा होगा, वो टाइल्स का एक चौकोर टुकड़ा होता है लेकिन आप उसको दीवारों पे जब लगाते हो तो वो क्या होता है, उसका पैटर्न बन जाता है, वो उसी की तरह दिखाई देने लग जाता है। ये देखो इस तरह से आपके दीवारों पे देखो ये टाइल्स लगा हुआ है, ये देखो ये वाले दिखाई में दिखा, तो ये सब क्या है, ये पैटर्न है। अब आपको मैंने बताया था कि आप जब फोटोशॉप सीखते हो तो आपको बहुत सारे इंडस्ट्री में आपके पास रोजगार के अवसर हो जाते हैं, आप बहुत सारे जगह पे आपको जॉब मिलने की संभावना होता है। मैंने सेम आपको बताया भी था कि सिरेमिक इंडस्ट्री में आपको बहुत बड़ा जॉब क्रिएट कर सकते हैं फोटोशॉप में, आप क्लोथिंग इंडस्ट्री में, तो ये सारा चीज जो है ये सब फोटोशॉप से इस तरह से ये बना होता है, ये जितने भी डिजाइन। तो अब ये बनाते कैसे हैं पैटर्न, चलिए मैं आपको दिखाता हूं पैटर्न बना के ना, ठीक है। तो अब पैटर्न बनाने के लिए हमारे पास, और उसको इस्तेमाल कैसे करते हैं वो भी हम लोग ये भी सीखेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग कोई डिजाइन ले लेते हैं, या पे लिखते हैं, वो आपके मर्जी से आप कुछ भी बना सकते हो, तो मैं इंटरनेट से ही ले लेता हूं पैटर्न डिजाइन। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं पीएनजी, देखो ये सारे डिजाइन्स जो है ये पैटर्न के डिजाइन्स हैं, ये देखो ये देखो ये सारे क्या है, ये पैटर्न्स के डिजाइन है। देखो अब हम एक में से इसी को देखो पैटर्न का डिजाइन बनाएंगे, ठीक है ना। तो इसको हम लोग कॉपी करते हैं, कॉपी इमेज एड्रेस, और अपने प्रोजेक्ट में आते हैं, और यहां से हम
आते हैं, ओपन फ्रॉम यूआरएल, तो ये जो है हमने यहाँ पे इस तरह से ये बना लिया है और ये थोड़ा साइज हम लोग बड़ा कर लेते हैं, नया लेते हैं और ये हम ठीक है 100x100 पिक्सल का ठीक है। चलो इस पर तो ये जो डिजाइन हम लेके आए हैं इसको यहाँ पे ऐसे डाल दिया हमने और मैं इसको रेस्टराइज कर लेता हूँ। कोई भी इमेज को कुछ भी उस पर एडिट करने से पहले मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको रेस्टराइज करना होता है, तो आप इसे रेस्टराइज कर लो और इसको मैं पैटर्न बना देता हूँ, ठीक है ना। मैं इसको पैटर्न बना देता हूँ। अब मैं इसको क्या करूंगा, एडिट पे जाऊंगा, फिर वही डिफाइन न्यू में जाऊंगा और देखो यहाँ पे है पैटर्न। अब मैं इसको पूरा पैटर्न एड कर दिया मैंने, ठीक है। अब हम आते हैं प्रोजेक्ट में। अब इसको हम लोग कैसे करते कैसे हैं, इसको यूज कैसे करते हैं, नया लेयर लिया, ये देखो। अब पैटर्न का यूज कैसे करोगे आप, देखो। अब मान लो यहाँ पे कोई हमने यहाँ पे एक सिलेक्शन बनाया, यहाँ पे ये इस तरह से सिलेक्शन बनाया, ठीक है। अब इस सिलेक्शन को मुझे क्या करना है, फिल करना है, तो मैं इसे किससे फिल करूंगा, पैटर्न से फिल करूंगा, ठीक है। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, मैं जाऊंगा इधर यहाँ पे, ये यहाँ पे नीचे आऊंगा मैं, ये देखो यहाँ पे ये आऊंगा मैं यहाँ पे, और जो यहाँ पे EF यहाँ पे दे रखा है ना, डबल ई डबल इफेक्ट, तो इस पे मैं क्लिक करूंगा। यहाँ पे क्लिक किया और यहाँ पे देखो पैटर्न ओवरले, यहाँ पे क्या मिलता है आपको, यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या मिलता है, ये देखो आप यहाँ पे क्या मिलता है, पैटर्न ओवरले, ये आपको मिलता है, ठीक है ना। तो इसी से मैं इसको क्या करूंगा, इसको फिल करूंगा, ठीक है। तो आ जाओ, या इससे आप फिल कर सकते हो, या फिर आप ऐसे कर सकते हो कि आप एडिट में जाओ और यहाँ पे देखो फिल लिखा हुआ है, फिल पे क्लिक करो, यहाँ पे भी आपको पैटर्न होगा, ये देखो यहाँ पे है ना, ये देखो ये जाओगे आप, तो ये देखो यहाँ पे, ये देखो ये नीचे आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है पैटर्न। ये एडिट में आप फिल पे क्लिक करोगे या शिफ्ट F5 क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे इस तरह से आपको दिखाई देगा, ठीक है। तो अभी हम इसको यहाँ से देखो इसी से फिल कर लेते हैं पैटर्न। अब देखो पैटर्न में हमारे पास बहुत सारे पैटर्न आ गए, यहाँ पे देखो आ रहा है हमारा वाला पैटर्न भी आ जाएगा जो हमने अभी बनाया है। तो ये देखो ये हमने बनाया था ये वाला, अब ये वाला देखो, ओके, ये देखो पैटर्न फिल हो गया ना, ये देखो यही तो हमने लिया था, देखो अपने आप ही ये गैप बना दिया, ये देखो इस तरह से। तो आप जो है अपना पैटर्न इस तरह से, और मैं जितना भी देखो ये इसको मैं अगर बढ़ाते जाऊंगा ये मैं इसको, तो मुझे ये कटेगा नहीं, ये पैटर्न ऊपर नीचे जितना भी आप चाहो तो इसको बना सकते हो, आप किसी भी चीज में इसको फिल कर सकते हो, ठीक है ना। आप रिपीट भी कर सकते हो, जैसे आपको एक डिजाइन मैं खुद मैनुअली आपको बना के दिखाता हूँ पैटर्न का, कि आप कैसे उसको आसानी से पैटर्न बना सकते हो। ये देखो मैं एक यहाँ पे लेता हूँ चौकोर सा, ये देखो पेंट से मैं बनाता हूँ, ठीक है ना। और इसके नीचे वाला इसको मैं पहले फिल कर देता हूँ कोई कलर,
अब देखो इसको ना हम लोग पैटर्न बनाएंगे, ठीक है ना। इसको पैटर्न का डिजाइन कैसे बनाते हैं मैं आपको, आपका मैनुअली कोई टाइल्स वाइज पे कैसे डिजाइन बनाते हैं ये आप देख लेना। अब देखो जैसे मैं यहाँ पे ब्रश टूल लेता हूं और ब्रश टूल से मैं ये वाला ब्रश लेता हूं, ये वाला हमने जो गुलाब वाला लिया था वो आप देखो ये इस तरह से इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह ये हमने ऐसे इस तरह से बना दिया और इसको हमने क्रॉप कर देंगे हम। अब इसको हम लोग पैटर्न बना देंगे, एडिट में जाएंगे, एडिट में जाने के बाद डिफाइन न्यू पैटर्न। अब आप यहाँ पे प्रोजेक्ट में आ जाओ, अपने कोई नया प्रोजेक्ट ले लो, न्यू ये ले लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोग कंट्रोल ए और एडिट ए फील, अब यही वाला ले लेंगे जो अभी बनाया था, ये वाला, ये देखो जैसे ओके करूंगा ये देखो यहाँ पे पूरा फील हो जाएगा, ये देखो जैसा, अब ये देखो हमने एक चौकोर बनाया था लेकिन ये अपने आप ही ये इस तरह से देखो गुलाब लग गया और इसके पीछे ये फील हो गया, कुछ करना नहीं पड़ा। तो आसानी से आप इस तरह से बना सकते हो, क्योंकि मैं अभी बहुत दिनों से मैं काम करता हूँ तो मैं आसानी से चीजों को बना सकता हूँ, लेकिन अभी आप लोगों को प्रैक्टिस करने की जरूरत है, बहुत सारा प्रैक्टिस जब तक आप नहीं करोगे, क्योंकि कहा गया है कि प्रैक्टिस मेक देन बेटर, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप, खास करके ग्राफिक सॉफ्टवेयर में तो प्रैक्टिस की जरूरत है, और अंदर के क्रिएटिविटी होनी चाहिए, आपको क्रिएटिव माइंड होना चाहिए, आप किस तरह से चीजों को सोचते हो, कोई चीज को कैसे बनाते हो, बाहर बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है कि लोग अभी कल की बात करते हैं, मतलब इसमें कई ऐसे लोग हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो फिर भी वो क्रिएटिव होते हैं, वो उनको अपने पैसे से मतलब नहीं होता, वो इसी फील्ड में जाना चाहते हैं। उसका मैं एक ताजा उदाहरण आपको दूंगा, प्रियंका गांधी का नाम आपने सुना होगा, राहुल गांधी की बहन प्रियंका गांधी और राजीव गांधी जी की बेटी, तो उस प्रियंका गांधी जी का बेटा है रेयान राजीव बढेरा, उसने अभी कल ही उसका दिल्ली में प्रदर्शनी लगा है, जबकि उसके पास पैसे की कमी नहीं है, लेकिन उसको इन सब चीजों में मजा आता है, क्रिएटिव चीजें करने में, आर्ट बनाने में, डिजिटल आर्ट बनाने में, उसने अपनी एक जो है प्रदर्शनी है वो दिल्ली में लगाई हुई है, और उसका जो है तो लोग क्रिएटिव होते हैं और वो उस तरह प्रदर्शनी में करके, अब उसके जो पेंटिंग्स है वो लाखों रुपए में बिक रहे हैं, करोड़ों रुपए में बिक रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप चीजों को जब क्रिएटिव बनाओगे कुछ अलग तरह से, देखो मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दिखाता हूँ, ये सारे देखो ये सब फोटोशॉप में बनाए गए हैं, फोटोशॉप कोरेलड्रॉ में, तो ये सब बिकते हैं, ये डिजाइन आपको दूसरे लोग देखो ये कितने सारे डिजाइन से लोग उसको खरीद सकते हैं, ये सारे डिजाइन को आप यूज कर सकते हो, आप अपने उसमें आप यूज करते हो, देखो ये इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो, ये सारे जितने भी डिजाइन है आप इसको यूज कर सकते हो, देखो कितने सारे, ये सारे सलवार सूट्स के डिजाइन है, सलवार सूट पे यही सारे डिजाइन चिपके होते हैं, ये जो डिजाइन है ना ये सारे सलवार सूट पे बने होते हैं, ये सब देखोगे ये सारे डिजाइन सलवार सूट पे फॉलोवर के डिजाइन बनाए होते हैं, ये तो आपके पास अपॉर्चुनिटी बहुत है, आप को बस करना आना चाहिए। आप डिजिटल, मैं पेंटिंग आपको दिखाता हूं,
आजकल डिजिटल पेंटिंग जो है, अगर आपको बहुत तरीके से बनाने आता है तो आप करोड़ों करोड़ों रुपए में, आप देखो ये, देखो ये किसी भी हीरो हीरोइंस के फोटोज को आप डिजिटली कैसे पेंटिंग कर सकते हो, वो भी मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा आप कैसे डिजिटली। देखो अब जैसे ये देखो, ये देखो, ये कौन सी हीरोइन है, ये विद्या बालन है। तो विद्या बालन के डिजाइन को देखो कैसे डिजिटली इसको पेंटिंग कर दिया गया है। तो ये सारा कुछ आप फोटोशॉप में करके, बहुत सारा लोग इसको एज ए प्रोफेशन यूज करते हैं, ऑनलाइन सेल कर सकते हो। ये देखो ये नवाजुद्दीन सिद्दीकी को कैसे देखो ये बनाया गया है, ये सब फोटोशॉप में आप आसानी से पेंट की मदद से बना सकते हो। जो आपका पेंट है उसकी ही मदद से आप बना सकते हो ये सारा डिजाइन जो भी है। ये देखिए ये रजनीकांत जी हैं। तो ये सब आप चाहो तो फोटोशॉप में बना सकते हो। आपको अगर और सीखना है इन सब चीजों के बारे में तो आप यूट्यूब में जाओ, ठीक है, और वहां पे आप लिखो, मतलब पेंट ब्रश टूल का सोचो कितना यूज है, हाउ टू मेक या ड्रा डिजिटल पेंटिंग इन फोटोशॉप। ये देखो अभी देखो ये सारे पेंटिंग जो है ये फोटोशॉप में बनाए गए हैं। ये देखो देखो ये कितने खूबसूरत डिजाइन है, देखो ये कितना खूबसूरत डिजाइन है। ये फोटो को लेकर उसके बाद इसे बनाया गया है, और ये आप इस फोटोशॉप में इसमें बताया भी गया है कि कैसे बनाया जाता है। तो आप फास्ट करके आपको दिखाता हूँ। इंटरनेट पे जाओगे तो आपको बहुत सारे ऐसे, आप खुद से वहां पे देख के आप फोटोशॉप में आप उसे सीख सकते हो। तो आज के क्लास में हम लोगों ने ब्रश टूल और पैटर्न्स के बारे में सीखा, क्योंकि ब्रश टूल काफी बड़ा एरिया है फोटोशॉप का, और इसे सीखने के लिए आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है, और इसे सीखकर आप बहुत सारे आर्ट्स बना सकते हैं। आपके मन में जितनी भी क्रिएटिविटी है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल भी दिए कि आप कैसे कहाँ कहाँ आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं। फिर इस क्लास को हम लोग यहीं पे खत्म करेंगे, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे टाइपिंग टूल की और पेन ब्रश टूल की, वो भी काफी इम्पोर्टेंट है फोटोशॉप में। टाइपिंग टूल जिसे हम लिखते हैं, कैसे कैसे खूबसूरत टेक्स्ट इफेक्ट हम लोग बनाएंगे, वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग सीखेंगे।